प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया।
फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बाराती चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सियाराम।